So what's up guys, क्या हाल है आप लोग की, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सो फाइनली वी आर बैक विद एन अदर क्लासिक कोरियन टॉप 10 मूवीज वीडियो विच इज़ गोना एक्साइट यू गाइस फॉर एवरी पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हमें देखने को मिलने वाला है कुछ क्लासिक क्लिप्स, कुछ खास मूवीज के जिसमें आप लोग अमेज होने वाले। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड यू आर गोना वॉच दोज मूवीज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गो गाइस एंड वॉच द वीडियो to do a reaction on the video of top 10 best Korean movies available in Hindi and English. So here we go and start the video. Okay, so action level pure. Oh my god, this is not good. हे गाइस, वेलकम बैक टू राउंड टू फ्लिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से कवर करेंगे 10 कमाल की कोरियन मूवीज को। ये कोरियन मूवीज का पार्ट 2 है और इस लिस्ट के अंदर मैं जब भी कोरियन मूवी के टॉप 10 या टॉप 5 पार्ट्स में, टॉप 5 में तो मैं आई थिंक मैंने एक ही वीडियो डाली है, और टॉप 10 में जब भी मैं वीडियो डालता हूं एक या दो वीडियोस उसमें ऐसे आते हैं जो पिछली वाली वीडियो में मैंने रिएक्शन दिया होता है, क्योंकि वो मूवीज होती है ऐसी जिसे हर लिस्ट में आना चाहिए। हमारे नंबर 10 की मूवी है क्विक, जो गई थी साल 2011 में। एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक बाइक रेसर की, जिसके पास एक दिन अचानक से एक अनजान कॉल आती है जो कि इसको बताता है तुम्हारे हेलमेट में एक बॉम्ब लगा है और तुमको एक पार्सल डिलीवर करना है, और अगर पार्सल टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ तब बॉम्ब फटेगा, और अगर हेलमेट उतारा तब भी बॉम्ब फटेगा। खतरनाक सिचुएशन से किस तरह हमारी मूवी का हीरो बाहर निकलता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, टेलीग्राम लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। मूवी को रेटिंग में 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। From the bar train to a tour bus, still the same game except the pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Action, sorry, sorry, action. Sound like fool, who but you're a female dating. साल 2022 में एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है बी नाम की एक अनाथ लड़की की, जो कि एक ऐसे औरतों के ग्रुप को ज्वाइन करती है जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल गैंग से बदला लेना चाहती है, क्योंकि ये गैंग यंग लड़कियों का रेप करके फिर उन लड़कियों को फोर्सफुली सेक्स वर्कर बनाता है। और बी और इसकी टीम किस तरह इस खतरनाक गैंग को खत्म करती है, और उसी बीच आपको जॉन विक की तरह नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 8 की मूवी है प्रोजेक्ट वॉल्फ हंटिंग। ऐसे बंदे का तरीका थोड़ा अच्छा है एक्सप्लेन करने से पहले, जो है ना ये क्लिप दिखा लेता है, ये क्लासिक तरीका है। ये मूवी आई थी साल 2022 में। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स की, जिनको एक कार्गो शिप के जरिए फिलीपींस से साउथ कोरिया भेजा जाता है ताकि इनको कोरिया ले जाकर सजा दी जा सके। पर रास्ते में सभी क्रिमिनल किसी तरह आजाद हो जाते हैं, और आजाद होने के बाद ये पुलिस वालों के साथ साथ बाकी लोगों को भी मारने लगते हैं। लेकिन शिप में एक ऐसी मिस्टीरियस चीज होती है जो कि सभी लोगों को बहुत ही बहरेमे से चीर फाड़ कर मारना शुरू कर देती है। आखिर वो मिस्टीरियस चीज क्या है और उससे कोई जिंदा बच पाता है ना, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की खून खराबे वाली मूवी है। डेफिनेटली मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, और इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में वीडियो पर देख सकते हो। मूवी को रेटिंग में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट। ये मूवी आई थी साल 2017 में। एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक डिटेक्टिव की, जिसको एक मिशन दिया जाता है जिसमें इसको सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल को साउथ कोरिया से पकड़कर नॉर्थ कोरिया लाना है, क्योंकि क्रिमिनल के पास कुछ ऐसा है जो कि नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट को किसी भी हाल में चाहिए, नहीं तो पूरे नॉर्थ कोरिया की इज्जत खाक में मिल जाएगी। आखिर ऐसा क्या है क्रिमिनल के पास, और अपना हीरो 3 दिनों के अंदर अंदर अपने मिशन को अंजाम दे पाता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 6 की मूवी है दी नेगोशिएशन। ये भी मैंने देखी है, कोई मूवीज में मिस नहीं करता, कुछ आत रहती है। ये मूवी आई थी साल 2018 में। एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है किडनैपर की, जो कि दो बच्चों को किडनैप करके पुलिस के नेगोशिएशन डिपार्टमेंट में कॉल करता है और बच्चों को लाइव मारने की धमकी देता है। आखिर किडनैपर का असली प्लान क्या है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। जबरदस्त दिमाग को घुमा देने वाली मूवी है, आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है कंपनी मैन। डिसेंट था लेकिन दुनिया वाले रहने नहीं दी, आई थिंक सो। इस हीरो की मूवी भी बहुत अच्छी थी, अच्छी फाइटिंग स्किल्स के पास। ये
मूवी आई थी साल 2012 में एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक असासिन की जो कि पैसों के लिए किसी भी खतरनाक मिशन को अंजाम देता है और आज तक ये अपनी कंपनी से देने वाले किसी भी मिशन में नाकाम नहीं हुआ और कंपनी के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिनको तोड़ा तो समझो जान से गए, लेकिन किसी रीजन की वजह से अपनी कंपनी के रूल्स को तोड़ देता है जिसके बाद दूसरे असासिन इसको मानने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। और आगे कहानी में क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.8/10 IMDb पर। हमारे नंबर 4 की मूवी है इमरजेंसी डिक्लेरेशन। और सबसे बड़ी मुसीबत कोई भी कंट्री इस प्लेन को अपनी जमीन पे लैंड करने की इजाजत नहीं देता और उससे भी बड़ी मुसीबत प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगता है। तो ऐसी भयंकर सिचुएशन से सभी पैसेंजर्स बाहर निकल पाते हैं या नहीं ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.9/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द टाइगर। ये मूवी आई थी साल 2015 में। एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है कुछ शिकारियों की जो कि दुनिया के सबसे बड़े टाइगर का शिकार करने के लिए निकलते हैं और ये लोग टाइगर की वाइफ और बच्चों को मार देते हैं जिससे कि टाइगर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जब एक घायल टाइगर शिकारियों का शिकार करता है एक को चीर फाड़ कर रख देता है पूरी फौज कम पड़ जाती है। कहानी सिंपल है लेकिन मूवी आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। बिना झिझक इस मूवी को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इस मूवी को भी आप हिंदी लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। मूवी को रेटिंग में 7.2/10 IMDb पर। तो बढ़ते अपने नंबर 2 की मूवी की ओर। और हमारे नंबर 2 की मूवी है दी बैटलशिप आइलैंड। सॉन्ग जोंग की ही है, देखिए। बैटलशिप आइलैंड काफी अच्छी मूवी है, बहुत ही ज्यादा एक्शन ट्रेजेडी जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। मूवी के अंदर आपको यही देखना है ये लोग इस आइलैंड से निकलकर अपने देश कोरिया पहुंच पाते हैं या नहीं। बहुत ही कमाल की एक्शन और मूवी आपके दिल को छू जाएगी। मूवी देखने के बाद लिटरली आप इस मूवी के फैन हो जाओगे और इस मूवी को भी आप हिंदी लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पर टाइम ड्रामा मूवी है नाम ही खतरनाक है। तो मार देता है जिसके बाद एक्शन रूमर्स तो खतरनाक होने चाहिए यार। लेने के लिए किलर के पीछे पड़ जाता है लेकिन कहानी का सबसे बेस्ट ट्विस्ट यह है अपना हीरो किलर को मारता नहीं बल्कि किलर को तड़पाता है और किस तरह और कितना तड़पाता है ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की साइको सीरियल किलर की मूवी है। डेफिनेटली ये मूवी भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और बहुत सारे ब्रूटल और न्यूड सीन्स मतलब किलर के पेट के उल्टे किलर ही पे बिल्कुल नहीं देख सकते और देख सकते हो। मूवी को रेटिंग में 7.8/10 IMDb पर। सो गाइस आई होप आपको सभी की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई वीडियो तो तेरी कमाल की थी, क्लासिक थी और ऑसम थी। बट ये लास्ट वीडियो में जो है ना मतलब लास्ट में तो ये हैंजर से जो टैक्सी वाली को मारा ये ट्रिगर हुआ है वायलेंस की बिल्कुल पास ही से गुजरता है लेकिन शुरू में जो वो रिकैप्स तुम दिखा रहे थे ना उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ मूवी क्लासिक है। जब रेटिंग 7.8 तो जब इतनी रेटिंग मिली तो मूवी तो क्लासिक होगी। और बाय द वे इसका जो हीरो है वो तो बहुत हॉलीवुड मूवीज में काम कर चुका है तो हुई इज वन ऑफ द क्रेजी। एंड बाय द वे द बैटल आइलैंड द बैटलशिप आइलैंड जो है ना ये मूवी अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी तो होप यू गाइस लाइक दैट जस्ट वॉच इट। ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक किस्म की कहानी है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिडेबल है, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है। इन इस लिस्ट में जो भी मूवीज दिखाई है ना इसमें सिर्फ एक ही हमें ओल्ड देखने को मिली है कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट जिसमें नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया आते हैं वहाँ से वो कॉमेडियन उसके साथ हो जाते हैं वो भी पुलिस वाले होते हैं और दोनों किसी क्रिमिनल को कैच करते हैं। फिर मूवी के एंड में जब मूवी खत्म होती है लास्ट में जो है ना साउथ कोरियन नॉर्थ कोरिया जाता है फिर दोनों वापस से हो जाते हैं। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट नहीं है सिर्फ फर्स्ट पार्टी में गेम ओवर हो चुका है। तो लिस्ट में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, comment on the video and thank you so much for supporting me in this starting time and see you guys in the next video till that time. Tata bye.